दोस्तों, स्त्रियों की गुप्त बातें जान सकते हैं सिर्फ उनकी नाभि को देखकर। नाभि का समुद्र शास्त्र में भी बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है, जो बातें व्यक्ति की आंखों से, व्यवहार से और बातचीत से नहीं जाना जा सकता, वह नाभि देखकर जान सकते हैं। आइए जानते हैं स्त्री पुरुषों की नाभि को देखकर उनकी राज की बातें कैसे जान सकते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि लंबी और वक्री होती है, उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। ऐसी स्त्री आम तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती है और जो भी काम करती है उसमें दिल से मेहनत करती है। बहुत से हस्तरेखा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी स्त्री काफी बोल्ड और मनमौजी होती है। इन्हें लोगों से दोस्ती और जान पहचान बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है, वह बहुत ही भावुक होती है। ऐसी महिलाएं चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी आ जाती है। इनका दिल साफ होता है और आम तौर पर यह देखने में आकर्षक भी होती है। अधिक सोच विचार और चिंता के कारण इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत जल्द प्रभावित करती हैं। जिस स्त्री की नाभि ऊपर उठी हुई हो और गहरी होती है, वह सौंदर्य प्रेमी होते हैं। यह काफी रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। कई बार भाग्य इन्हें अचानक ही धन लाभ दिलाता है। इन्हें सुंदर जीवन साथी और धनवान ससुराल मिलता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि गोल होती है, वह गुणवान होती है। आम तौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और यह बुद्धिमान भी होती है। इनके दिल में दया की भावना रहती है और दयालु होती है, इसलिए यह जहाँ भी और जिस परिवार में होती है सम्मान पाती है। जिनकी पत्नी ऐसी होती है, उनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर सुखमय रहता है। दोस्तों, जिन स्त्रियों की नाभि समतल और सपाट होती है, उनसे जरा संभल कर ही रहना चाहिए। कारण है कि ऐसी स्त्रियों के मिजाज का कोई भरोसा नहीं। यह कभी भी किसी बात का गलत मतलब निकाल कर आपको कष्ट पहुंचा सकती है। इनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है कि ये किसी के गुण को कम और खामियों को ज़्यादा देखती है। इसलिए आम तौर पर इनसे मित्रता लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। ऐसी स्त्रियों से आपको हमेशा संभल कर ही रहना चाहिए। आम तौर पर नाभि हमारे शरीर का केंद्र होती है, लेकिन जिन स्त्रियों की नाभि केंद्र से हटी हुई होती है, वह बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान होती है। ऐसी स्त्री अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करती है। अगर खेल जगत से जुड़ी हो तो कामयाबी उनके कदम चूमती है, लेकिन यह मनमौजी और मूडी भी होती है। ये कब क्या कर जाए कोई नहीं जान पाता। ऐसा माना जाता है कि जिस स्त्री की नाभि बीच का भाग कुछ बाहर की ओर निकला होता है, उन्हें संतान सुख के मामले में परेशानी का सामना करना होता है। कारण है कि उन्हें गर्भधारण में दिक्कत होती है और ऐसी स्त्रियां अक्सर मां नहीं बन पाती हैं। दोस्तों, नाभि का मध्य भाग जिन स्त्रियों का अंदर की ओर होता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऐसी स्त्रियों को गर्भधारण से संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आम तौर पर इन्हें दो से अधिक संतान की प्राप्ति होती है। समुद्र शास्त्र का ऐसा मत है, जिस स्त्री या पुरुष की नाभि ऊपर की ओर उठी होती है, उन्हें जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसका कारण है कि ऐसे व्यक्ति ईमानदार और सच्चे होते हैं। गलत तरीके से धन कमाना इन्हें पसंद नहीं होता। इनकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनकी संतान योग्य और कामयाब होती है। जिनकी नाभि नीचे की ओर झुकी होती है, उनकी पहली संतान अधिक भाग्यशाली होती है। जिस पुरुष की नाभि उठी हुई होती है, उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी अवश्य आती है।
किसी न किसी मुद्दे को लेकर जीवन साथी के साथ इनका मतभेद बना रहता है। इनके वैवाहिक जीवन टूटने की भी संभावना बहुत अधिक रहती है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें किसी स्त्री की नाभि को देखकर आप ये जान सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है या वो कैसी औरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को शेयर अवश्य कीजिएगा।